नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने कार्यक्रम के द्वारा आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग यही स्नेह प्यार देते रहिए, इसी तरीके से आप लोग मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, आपको खुद मैं कुंडली देखने का ज्ञाता बना दूंगा। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये संपर्क नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ, कोई वीडियो संबंधी, मेरे प्रोग्राम संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसका उत्तर मैं फ्री दे दूँगा। परंतु कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ फीस शुल्क देना होगा। शुल्क देंगे तो पूरा विवेचन कर दूँगा। बहुत से मित्रों फरमाइश आया है कि शनि ग्रह कुंडली के किन किन भाव में अधिक खराब होता है, क्या लाभ क्या हानि देता है, क्या क्षति करता है, क्या नुकसान देता है, ये आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। मैं उन्हीं भावों का बता रहा हूँ जिसमें शनि अधिक खराब होता है। जिसकी कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शादी विवाह में रुकावट आता है, ऐसे लोग की सोच गंदी होती है, कार्य करने की क्षमता भी इनकी अच्छी नहीं होती। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग शिक्षा अधूरी रह जाती है, शिक्षा में परिवर्तन होता है, शिक्षा में इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिलता है, शिक्षा में कई अनुरोध आता है जिसके कारण इनका कैरियर नहीं बन पाता है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग इच्छा अनुसार शादी नहीं कर पाते हैं, इच्छा अनुसार इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, हमेशा स्वास्थ्य के कारण चिंता रहते हैं, पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं रहता है, शादी विवाह में रुकावटें आती हैं। जिसकी कुंडली में नौवें भाव में कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शनि बैठा हो, ऐसे लोग संघर्ष अधिक करते हैं, इनके कार्य में रुकावट आता है, उन्नति नहीं हो पाता है, मानसिक परेशानी होती है, नौकरी नहीं लग पाता है, बेरोजगार लंबे समय तक रहते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से 12वें भाव में शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं और इनका जीवन आखिरी समय विवादों में रहता है। ये छोटा सा वीडियो शनि ग्रह कुंडली में किन किन घरों में अधिक खराब होता है, क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने मैंने रखा है। तो सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।